नमस्कार, मैं हूं मनीष। छत्तीसगढ़ राज्य, जिसे एक आदिवासी बहुल राज्य के तौर पर जाना जाता है, इसी प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी करने वाले 267 अफसर कर्मचारियों के नाम की सूची छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक की है, जिनके लिए संभवतः वर्ष 2021 यानी नया साल बेहतर नहीं रहने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी सरकारी सेवकों को सेवा से बर्खास्त करने के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संबंधित लोगों को तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाए और कार्रवाई की जाए। आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश सरकार को पिछले कुछ सालों में 758 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग के जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण एवं छानबीन समिति रायपुर को फर्जी या गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 659 शिकायतों की जांच में से 267 फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले सामने आए। इनमें अधिकांश मामले या तो उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं या उन पर स्थगन आदेश प्राप्त है। विगत 2 वर्षों में ही 75 फर्जी प्रमाण पत्र के मामले छत्तीसगढ़ में सामने आए हैं। इनमें से कई अधिकारी और कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं। यदि विभागों की बात करें तो उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने स्कूल शिक्षा विभाग में सर्वाधिक 44 अधिकारियों और कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग यानी कि एक तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के सभी विभागों में कोई ना कोई फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले अधिकारी और कर्मचारी डटे हुए हैं। खैर, ये तो बात उन विभागों की या उन शिकायतों की हुई जो अब जाँच के बाद सार्वजनिक है, पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े पदों पर मौज कर रहे ऐसे हजारों अधिकारी कर्मचारी भी हैं जो रसूख और भ्रष्टाचार के कमाए पैसों के दम पर आज भी मौज काट रहे हैं। हमने अखबारों में से छपी रिपोर्ट के बाद केस को स्टडी करने पर पाया कि कैसे प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में दर्जनों जनपद पंचायतों में जो लोग CEO के पद पर बैठे हैं, दरअसल वो उस काबिल है ही नहीं। नेताओं के जी हुजूरी, जुगाड़ और हराम के पैसों के दम पर वर्षों से पंचायत CEO बने कथित अधिकारियों की एक सूची हमने भी आपके लिए तैयार की है। पहले आप इन्हें पहचानिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे ये अधिकारी आम जनता को लूटने के साथ साथ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। सरगुजा संभाग के करीब 1 दर्जन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिनमें शुरुआत करें तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TS सिंहदेव के गृह क्षेत्र अंबिकापुर में जनपद पंचायत के CEO सुरेंद्रनाथ तिवारी, लुंड्रा जनपद पंचायत के CEO संजय दुबे, बतौली जनपद पंचायत के CEO विजय नारायण श्रीवास्तव, बलरामपुर जनपद के CEO कृष्ण कुमार जायसवाल, बलरामपुर जिले के ही रामचंद्रपुर के जनपद CEO विनोद कुमार गुप्ता, कुसमी जनपद के CEO विनोद कुमार जायसवाल, जसपुर जिले के मनोरा में पदस्थ अनिल तिवारी, जसपुर जिले में ही बगीचा जनपद के CEO विनोद कुमार सिंह और सरगुजा में सीतापुर जनपद के CEO सूरज प्रसाद गुप्ता जैसे दर्जन भर ऐसे CEO हैं जिन्होंने सहायक शिक्षक रहते हुए बिना चयन परीक्षा के प्रभारी मंडल संयोजक पद पर पदस्थ रहे, जिसके बाद 7/10/2008 को इन सभी सहायक शिक्षकों को शासन के नियमानुसार उच्च वर्ग श्रेणी में पदोन्नत किया गया। अब चूंकि ये सभी शिक्षक LDT से UDT होकर अपने पद का लाभ ले रहे थे, इसी बीच वर्ष 2012 में शासन द्वारा आयोजित मंडल संयोजक चयन परीक्षा में पदोन्नत प्राप्त इन सभी शिक्षकों ने न सिर्फ अपने पदोन्नत पद के साक्ष को छुपाया और मिटाया, बल्कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें विकास खंड शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ कर अपने को सहायक शिक्षक होने का कूटरचित दस्तावेज तैयार करा लिया और उसी के आधार पर मंडल संयोजक की परीक्षा में शामिल होकर पद का लाभ लिया। जबकि सरकार के नियम में है, यदि कोई भी सहायक शिक्षक से पदोन्नत होकर यदि उच्च श्रेणी का शिक्षक हो जाता है
तो वह ऐसे परीक्षा में शामिल नहीं हो सकता। जबकि फर्जी तरीके से मंडल संयोजक बने इन तमाम लोगों को वर्ष 2018-19 में जनपद पंचायतों का प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभार भी मिल गया। गौरतलब है कि UDT होते हुए LDT बताकर मंडल संयोजक चयन परीक्षा में शामिल होने जैसे मामले को लेकर इन सभी लोगों के खिलाफ वर्ष 2012 से ही इस संबंध में शिकायतों का दौर शुरू हो गया। पर सैया यदि कोतवाल हैं तो भला इन्हें डर किस बात का। इन मामलों में मूल दस्तावेज चीख चीख कर इनके फर्जीवाड़े का प्रमाण दे रहे हैं, पर इनके पहुंच और नेताओं के संरक्षण के कारण इनका बाल भी बांका नहीं हो सका। अब चूंकि मामला मीडिया में आ चुका है, इसलिए मीडिया में आने के बाद दफ्तरों से सभी साक्ष्य को मिटाने और दस्तावेज गायब करने की प्रक्रिया इन लोगों के द्वारा तेज कर दी गई है, जिसके लिए प्रशासन ने इन्हें खुला छूट भी दे रखा है। आप समझ सकते हैं, यदि पेशे से एक शिक्षक दलाली और जुगाड़ के दम पर दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर किसी लाभ के पद पर आ भी जाता है तो यह समझना मुश्किल नहीं है, लूट खसोट कर पहले अपनी जेब भरेगा, उसके बाद नेताओं को चढ़ावा देगा, तभी वह उस पद पर टिक पाएगा। ठीक ऐसा ही चल रहा है इन जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के साथ। मामले पर इनकी सफाई सुनिए और चेहरे का एक्सप्रेशन जरूर देखिए, जो ये बताएगा कि वो कितना सच है और कितना झूठ। जैसे आदेश हुआ था वैसे ही मैं प्रत्याग कर दिया था UDT का पद का। कहा तो कि मैं जजावल में मेरा प्रमोशन कहीं किए थे, लेकिन मैं पदभारी ग्रहण नहीं किया हूँ। जजावल में किस बात को स्वीकार रहे हैं? अरे अब थे ही नहीं तो कैसे स्वीकार रहा हूँ मनीष जी। अब क्या चाहते हैं, बलवा कहवाना चाहते हैं क्या हमसे? इस संबंध में समय समय पर शिकायत प्राप्त होती रही है और ये शिकायत जो है हमारे कमिश्नर सरगुजा को भी प्राप्त हुआ और आयुक्त आदिवासी विकास को भी प्राप्त हुआ और इसमें विभिन्न स्तरों पर जांच भी समय समय पर चलती रही है। अब पिछले दिनों जो जांच हुई उसमें मैं भी एक मेंबर था जांच कमेटी में, परंतु कहीं भी उनके सर्विस रिकॉर्ड में या जो भी दस्तावेज है वो कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसमें जो सहायक शिक्षक से उच्च शिक्षक में पदोन्नति जरूर हुई थी परंतु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और पदोन्नति लेने से इनकार किया, इस तरह की बात आई। और सेवा पुस्तिका में जांच में कहीं भी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ कि ये उच्च श्रेणी शिक्षक में ज्वाइन किए थे। और ज़्यादा जानकारी सभी दस्तावेजों को विधिवत और क्रमबद्ध ढंग से देखने से पता चलेगा। हो सकता है कार्यालय से कुछ त्रुटियां हुई होगी, परंतु पूरा दस्तावेज क्रम से देखने पर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जिम्मेदार अधिकारी और चहेते नेताओं के सह पर ये इतने ढीठ हो चुके हैं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इनके सामने बेबस हैं। पर कहते हैं ना कि अति का अंत भी होता है। फर्जी नियुक्ति के आधार पर CEO बने बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में विनय कुमार गुप्ता, जिसे 60,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए फिलहाल ही SEBI ने धर दबोचा। वहीं जनपद पंचायत सीतापुर में CEO सूरज प्रसाद गुप्ता, जो कि खुद को सरगुजा के दिवंगत महाराज MS सिंहदेव के करीबी बताते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बिना लेन देन किए कोई भी काम नहीं करते। जनाब ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डीम प्रोजेक्ट नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी योजना के तहत कृषि प्रणालियों के पुनरुद्धार के लिए स्वीकृत 18 लाख की राशि एक गैर सरकारी संगठन को कार्य करने के लिए अधिकृत कर कार्य आदेश भी जारी कर दिया। बताया जा रहा है कि इसके लिए जनपद समिति से अनुमोदन नहीं लिया गया और कथित CEO सूरज प्रसाद गुप्ता ने अपने करीबियों को लाभ पहुँचाने 18 लाख की राशि का चेक प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर दे दिया। हालांकि जब इसका विरोध स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। ये विडंबना है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कांग्रेस के ही नेता को इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। पहले देखिए सीतापुर क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े युवा नेता और जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह इस जनपद CEO के हरकत पर क्या कहते हैं, और फिर यह भी देखिए कि इस CEO के ऊपर बैठे जो आला अधिकारी हैं वो कैसे
इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इन अधिकारियों के चेहरे का एक्सप्रेशन आपको यह बताता है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पर अफसोस कि ऐसे खबरों से क्या होना है, मात्र एंटरटेनमेंट है, देखिए और भूल जाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर छत्तीसगढ़ पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी, और इसको लेकर पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया, पर जिस तरीके से इस अच्छे काम को एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था, वहीं कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आ रही हैं। सरगुजा के सीतापुर में एक बड़ा मामला आया है, जहां 18 लाख रुपए जो है इस योजना को लेकर, उसके पुनरुद्धार को लेकर खर्च की जानी थी, उस 18 लाख को फर्जी तरीके से किसी एनजीओ को दे दिया गया है बिना किसी मीटिंग के, बिना किसी जानकारी के। इस वक्त हमारे साथ सीतापुर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, शैलेश जी हैं। शैलेश जी, आप ये बताइए कि जो पूरा मामला है किस तरीके का है, और ये क्या सिर्फ सीतापुर की ही स्थिति है या ऐसा लगता है आपको कि तमाम ऐसे इलाकों में हुआ होगा जहां ये 18 लाख रुपए की राशि आई होगी? मामला है कि परियोजना से 18 लाख रुपए नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी मेले उसके लिए आया था, आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी किसानों को प्रमोशन के लिए देना था। तो ये किस तरह की राशि थी, कहाँ से जारी हुआ था और किस मद में इसको खर्च करना था जनपद पंचायत को? ये सेंट्रल का स्कीम था, सेंट्रल से पैसा आया ट्राइबल डिपार्टमेंट को, ट्राइबल से ट्राइबल क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों को दिया गया पैसा। इसमें नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी के तहत मेरिट प्रोग्राम के लिए दिया गया था, और उसको जनपद पंचायत को कार्य एजेंसी सीतापुर में बनाया गया था। और उसमें नियम तो ये होना चाहिए कि जनपद पंचायत के संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करना था। उसमें स्पष्ट निर्देश था कि उस पर जो कृषकों का चयन होगा, ये जो प्राकलन तैयार किया जाएगा, वो कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाना था। लेकिन सारे नियमों को दरकिनार करके सीईओ के द्वारा उनके कोई विशेष रहे होंगे, क्योंकि यदि उनका कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं होता तो सामान्य प्रक्रिया शासन की योजना था तो सबके सामने उसको उजागर करके उसको और अच्छे ढंग से किया जा सकता था। गुपचुप तरीके से करना निश्चित रूप से शंका पैदा करता है, और इसलिए हम लोगों को जानकारी भी नहीं था, और हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। जनपद के बैठक में इस विषय का चर्चा नहीं किया गया था, पूरा गोपनीय ढंग से किया गया। और जिस दिन हम लोगों को पता चला तो सबसे पहले हम लोगों ने सीईओ से जानकारी चाही, अध्यक्ष महोदय ने भी जानकारी चाही, फिर सीईओ के द्वारा जानकारी नहीं मिला तो वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो संबंधित शाखा देखते हैं, उनसे जानकारी लिए, कृषि विभाग के अधिकारियों से जानकारी लिए, तो उन कृषि विभाग के अधिकारी और जनपद के जो शाखा प्रभारी थे उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई कोटेशन जारी नहीं किया, कोई न्यूज़पेपर में नहीं दिए, कोई जो शासन का गाइडलाइन है किराया नियम का तहत जैसे कोटेशन कॉल करना था, उसका पंजी का संधारण करना था, कोई भी एक भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कृषि विभाग के अधिकारी के द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा कोई भी लिस्ट जनपद पंचायत सीईओ को नहीं दिया गया है कृषकों का चयन करके। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं उनको लेके हम लोगों ने सभी कलेक्टर साहब को भी दिया है, ट्राइबल के नागवंशी साहब हैं उनको भी दिया है। नागवंशी साहब ने एक सीईओ को नोटिस जारी किया था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, तो वो भी थोड़ा शिथिल है, पता नहीं कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि क्या है। मतलब आप के मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनपद सीईओ हैं वो व्यक्तिगत तरीके से किसी को लाभ देने के लिए किसी एनजीओ को इस तरीके से उन्होंने बिना निविदा को बिना कोटेशन कॉल के वो काम दे दिए और पैसा भी जारी कर दिए उनको? जी जी। तो क्योंकि देखिए मैं बताऊं आपको कि मैं पिछले 15 साल से मैनपाट का भी जनपद उपाध्यक्ष रहा, सीतापुर का भी उपाध्यक्ष रहा, तो मैंने कई सीईओ के साथ काम किया, लेकिन हर सीईओ मतलब जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसके तहत संविधान के तहत जो अधिकार जो जनपद पंचायत के सदस्यों को प्राप्त है, अध्यक्ष को प्राप्त है, जनपद पंचायत को प्राप्त है, उसके अधीन ही काम किए लोग। ये आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, मतलब सारे नियमों को सारे दिशा निर्देशों को दरकिनार करके किसी एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिए यदि काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में शंका पैदा होता है कि कहीं ना कहीं इस पर तो गड़बड़ है। क्योंकि यदि आप अच्छा करना चाहेंगे तो कहीं पर भी कोई अच्छा करना चाहता है तो चार लोगों को दिखा के करना चाहता है, ये चार लोगों से छुपा के क्यों करना चाह रहे हैं और अपने ही जनपद परिवार के लोगों से क्यों छुपा के करना चाह रहे हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है। वो अपने को आया था एक स्कीम
जो प्रोजेक्ट आया था परियोजना कार्यालय से, उसका हमने विधिवत ज्ञापन निकाला हूँ और 3 दिन बाद जो है आया है उसका कोटेशन, 3 कोटेशन प्राप्त हुए हैं मुझे। उस कोटेशन प्राप्त करने के बाद अपन जो है पंजीयन करने के बाद जो कम दर पे काम करने को तैयार हुआ उसको अपन दिए हैं, निर्माण एजेंसी बनाए हैं। शिकायत वहाँ के उपाध्यक्ष शैलेश सिंह और जनपद अध्यक्ष के द्वारा प्राप्त हुआ था और उस शिकायत के आधार पर हमने सीओ से प्रतिवेदन मंगाया। सीओ से प्रतिवेदन परसों मिला था तो उस प्रतिवेदन का हमने अवलोकन किया, वो आधी अधूरी जानकारी थी तो उससे हमने फिर से पूरी जानकारी बिंदुवार देने के लिए कहा है। जनपद सीओ के द्वारा नरुआ गरुआ पुनरुत्थान के लिए जो पैसा आया था उसमें 18 लाख रुपये के गबन का मामला है, जो बिना नियम कानून का ऊपर के मंत्रियों के दबाव से ये एनजीओ से सांठ गांठ करके गबन किए हैं, उसके खिलाफ में आज जनपद का घेराव धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।